तो अभी अभी मैं नेपाल की बाहुबली फिल्म को देख के आ रहा हूँ, मीन्स प्रेम गीत 3 को देख के आ रहा हूँ। और मुझे अभी भी याद है जब इस फिल्म का ट्रेलर आया हुआ था, उसी टाइम में बोल दिया था ये फिल्म नेपाल की बाहुबली। और मजे की बात यह है, प्रेम गीत 3 की स्टोरी बाहुबली से ही मिलती जुलती है। तो चलो फिर बिना लेट करते हुए थोड़ा स्टोरी पे भी बात कर लेते हैं। इस फिल्म का स्टोरी फोकस करती है प्रेम के कैरेक्टर पे। प्रेम बेसिकली एक राजकुमार होता है, इसको एक नॉर्मल लड़की से प्यार हो जाता है जिस लड़की का नाम है गीत। और गीत के लोगों के लिए ये जो अपना प्रेम होता है, अपना सारा साम्राज्य छोड़ के आ जाता है इन लोगों के पास। और फिर ये जो प्रेम है अपने भाई से ही लड़ता है ये गीत के लिए। सो आखिर प्रेम क्यों लड़ता है, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या सच्चाई है, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस फिल्म को देखना पड़ेगा। एक चीज और मैं तुम लोग यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी तुम लोग प्रेम गीत को देखना तो हमारे इंडियन फिल्मों से कंपेयर मत करना यार, क्योंकि ये फिल्म का बजट ना ओनली 3.5 करोड़ है। और इंटरेस्टिंग सा बात ये है, जब इस फिल्म को तुम देख के कंप्लीट करोगे ना तो तुम्हें किसी एंगल से ये नहीं लगेगा ये फिल्म का बजट 3.5 करोड़ है। ऐसा तुम्हें फील होगा कि ये फिल्म का बजट कम से कम वही 15 से 20 करोड़ के आसपास की है। सो यहाँ मेकर्स तो ऐसे ही जीत गया यार कि एक लिमिटेड बजट में इतना तगड़ा तरीका से लोगों को सरप्राइज कर दिया। अगर सच में जब मेकर्स अगर सामने से ये भी नहीं बताते ना कि उनकी फिल्म का बजट 3.5 करोड़ है तो सच में सबको लगता है ये फिल्म का बजट वही 15 से 20 करोड़ के आसपास होगा। या फिर मेकर सामने से भी बोल देते हैं मेरी फिल्म का बजट 15-20 करोड़ के आसपास है तो लोग भाई मानते हैं कि ये फिल्म का बजट 15 से 20 करोड़ है, क्योंकि ये फिल्म भाई दिखती है 15-20 करोड़ की यार। बट सीरियसली जब भी मैं देखा तो मैं टोटली शॉक्ड हो गया यार कि 3.5 करोड़ में ऐसी फिल्म में कोई डायरेक्टर कैसे बना सकता है। डायरेक्टर को सैल्यूट है यार। और सांसद इस फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट लिए गए हैं सब भाई एकदम दिलो जान से काम कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। और खासकर इस फिल्म के जो लीड एक्टर है अपने प्रदीप सर, उन्होंने प्रेम के कैरेक्टर में तो जान डाल दिया है। जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो फाइट करते हैं, एक्सप्रेशन ऑसम ऑसम लगा है। और एक और इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी। आए हाय, नेपाल की खूबसूरती को जिस तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया है भाई, तुम्हें वो फील होगा ये फिल्म को देखने के बाद ना, तुम जरूर प्लान करोगे कि भाई कि मेरे को नेपाल घूमने जाना है। और सच में यार नेपाल बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि मैं एक बार नहीं बहुत बार गया हूँ वहाँ। बहुत प्यारा जगह है, वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। सो बात करें गाने की, गाने भाई ऑलरेडी आ चुके हैं और सारे गाने एक से बढ़ के एक है, सारे गाने अच्छे लगते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं। बट उम्मीद ये करता हूँ कि आज तो भाई ये फिल्म जहाँ जहाँ लगा वहाँ हाउसफुल गया है। और मैं भी जब भी देखने गया हुआ था ना जिस थिएटर में, वहाँ भी भाई प्रॉपर पूरा हाउसफुल था, एक भी सीट खाली नहीं था। बट मैं थिएटर रिस्पॉन्स इसलिए नहीं देखा पाया क्योंकि मैं प्रॉपर भींग के गया हुआ था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी भी तुम लोग देख सकते हो शॉट पूरा गीला है। बट अच्छा लगा भाई कि एक नेपाली फिल्म को हमारे इंडियन लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लोग देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है सीरियसली यार, क्योंकि नेपाली फिल्म इंडस्ट्रीज को अभी के टाइम में सपोर्ट करने की जरूरत है। प्लीज अभी तुम्हें इस फिल्म को देखने जाना तो भाई कमियां मत निकालना, अगर कमियां तुम निकालोगे तो बहुत कमियां तुम्हें दिख जाएगी। क्योंकि देखो ना यार 3.5 करोड़ में तुम क्या बना सकते हो यार, मतलब लिटरली यार जब भी तुम इस डायरेक्टर का जो विजन को देखोगे, 3.5 करोड़ में डायरेक्टर ने अपने विजन को दिखा दिया, यही अपने में काफी बड़ा चीज। उम्मीद करता हूँ तुम लोग भाई ये फिल्म को जरूर देखने जाओगे, तुम्हारे आसपास लगा है तो तुम लोग जरूर जाओ, और आज के दिन पे तो तुम लोग जरूरी जाओ देखने यार, क्योंकि आज वर्ल्ड सिनेमा डे है। और आज जितने भी टिकट है ना भाई PVR के आयोनेक्स के 75 से 80 रुपए के बीच में, तुम लोग कम पैसे में ना भरपूर एंटरटेनमेंट ले सकते हो। सो जो भी लोग इस फिल्म को देख लियो तो प्लीज यार कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना कि तुम लोग ये फिल्म कैसा लगा। सो चलो मेरी इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम्हें जरा ही पसंद आया प्लीज यार एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और लास्टली मेरे से बात करना चाहते हो आ जाओ यार, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, हर चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आओ यार वहीं मैसेज करो, बातें करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।